मेरा तुमसे एक सवाल है, बताओ कौन ज्यादा खतरनाक है, वो जिन्हें पैसों की लालच हो, या वो जिसे रिस्पेक्ट की भूख हो, या फिर जिसे दुनिया जीतने की लालच हो। ये सवाल इसलिए मुश्किल हो सकता है क्योंकि ये सभी कैरेक्टर्स सिमिलरली पावरफुल है। अगर इन्हें तुम हीरो या फिर विलन की जगह बस कैरेक्टर्स की तरह देखो तो तुम्हें सवाल का जवाब मिल सकता है। पुष्पा का पार्ट टू आ रहा है जिसका नाम है पुष्पा द रूल। और ये सिर्फ ऐसे ही इन्होंने फर्स्ट पार्ट का नाम राइज और सेकंड पार्ट का रूल नहीं लिखा है, बल्कि पार्ट वन ये बताता है कि कैसे पुष्पा का जन्म ही रूल करने के लिए हुआ है। मैं इधर किसी के फट्टे में टांग अड़ाने को नहीं आया, राज करने के लिए आया मैं, छुपके का नहीं। पुष्पा की एंट्री सीन में ही उसके एटीट्यूड को क्लियर किया जाता है, उसका बिहेवियर नॉर्मल नहीं है। झुकेगा नहीं साला ये डायलॉग सिर्फ ऐसे ही पुष्पा को कूल दिखाने के लिए नहीं डाला गया है, बल्कि ये उसके कैरेक्टर की पहचान है, जहाँ वो किसी भी सिचुएशन में नहीं झुकता, चाहे उसके सामने पैसा हो या फिर मौत हो। ये तो तुमने फिल्म में देखा ही होगा, लेकिन यही एटीट्यूड उसे एक रूलर बनने में हेल्प करता है। हर सिचुएशन में चाहे वो कितनी भी बुरी हो, पुष्पा कभी भी अपनी अकड़ को कम नहीं करता। वो अपने एटीट्यूड के चलते उस सिचुएशन से हर हाल में ऊपर उठने की कोशिश करता है, और यही चीज उसे एक सीढ़ी और ऊपर उठा देती है, और हर बार वो ऐसी ही सीढ़ियां चढ़ते जाता है। पुष्पा, पुष्पा राज, मैं झुकेगा नहीं साला। किसी भी फील्ड में आगे जाने में ये चीज बहुत मायने रखती है, और पुष्पा जहाँ से आता है वहाँ पर तो इसकी हालत और खराब हो जाती है। अब ऐसा भी नहीं है कि पुष्पा ये नहीं जानता कि वो जो कर रहा है वो गलत है, और ना ही वो जोकर जैसा अपने आप को डिपेंड करने की कोशिश करता है, बल्कि वो ये मानता है कि यही दुनिया का रूल है, जो कि सच भी है। तंदाने नानी नानी नारे, ये पूरा गाना ही पुष्पा की दुनिया को लेकर जो सोच है उसको दिखाता है। ये दुनिया एक सर्कल है, और इसमें ऊपर उठने के लिए तुम्हें मोरालिटी को भूलना ही पड़ेगा। एक ब्रूटल वॉरियर ही एक ग्रेट किंग बन सकता है, ऐसा मैं नहीं, इतिहास कहता है। पुष्पा भी ब्रूटल ही होता है, अगर वो गलत और सही के बारे में सोचता तो कभी भी यहाँ तक पहुँच नहीं पाता। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो जो कर रहा है वो सही है। मैं जानता हूँ कि वो जो भी कर रहा है वो बिल्कुल ही गलत है, लेकिन मैं तुम्हें उसका पर्सपेक्टिव बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि पुष्पा इस गलत के बारे में क्या सोचता है। और पॉइंट ये भी है कि पुष्पा को पुष्पा बनाने के पीछे उससे ज्यादा उसके हालात जिम्मेदार रहे हैं। जैसे कि तुम सोच के देखो कि अगर उसका भाई उसे अपना लेता या सिर्फ अपने बाप का नाम ही दे देता तो पुष्पा आज ऐसा नहीं होता, शायद उसकी सिचुएशन कुछ और होती, शायद तब उसे रोका जा सकता था। लेकिन अब जब वो पुष्पा भाव बन गया है तो उसे रोका नहीं जा सकता है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि वो सिर्फ ब्रूटल है, मूवी में हमें उसका इमोशनल एंगल भी दिखाया गया है। यही वो चीज है जो एंटी हीरो को विलन से अलग बनाती है, इमोशन। एंटी हीरो और विलन के बीच एक पतली लाइन है वो इमोशन, जिसने कभी लोकी को विलन बनने नहीं दिया और हेला को हीरो। अगर तुम देखोगे तो पुष्पा और शेखावत में भी कुछ ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों का एटीट्यूड सेम है, दोनों को मौत का डर नहीं है, लेकिन इमोशनल एंगल इन्हें अलग बनाता है। पुष्पा जिसे उसकी सराउंडिंग ने ऐसा बनाया है, वही शेखावत पैदाशी कमीना है। और पावर से मेरा मतलब सिर्फ फिजिकल पावर नहीं है, बल्कि ब्रेन पावर एक रूलर का या फिर लीडर का मेन हथियार होता है। कई सालों पहले हिटलर ने भी अपने दिमाग के बलबूते पर ही पूरी जर्मनी को अपने कब्जे में लिया था और पूरी दुनिया का इतिहास बदल दिया था। शायद तुमने ये नोटिस ना किया हो, लेकिन सिंडिकेट का किंग बनने के लिए पुष्पा भी इसी हथियार का यूज करता है। वो जानता है कि उसका एटीट्यूड, फिजिकल पावर्स, सब कुछ बेकार है जब तक कि वो दिमाग का यूज ना करे। दिमाग के यूज के बाद ये सारी चीजें आती हैं। और रही उसकी प्लानिंग की बात, तो मूवी देखते वक्त सिर्फ हमें उसकी फास्ट डिसीजन लेने की एबिलिटी ही दिखती है। उसके इतने फास्ट डिसीजन लेने की वजह से ये इल्यूजन क्रिएट होता है कि पुष्पा कभी प्लान नहीं बनाता। लेकिन अगर तुम मूवी को डीपली देखोगे तो पता चलेगा कि उसके ज्यादातर मूव सोचे समझे प्लान के हिसाब से होते हैं। जैसे कि चेन्नई में डायरेक्ट माल बेचने से पहले वो कोंडा रेड्डी को अपनी तरफ कर लेता है, और यही चीज वो सीनू को जाकर भी बता देता है, क्योंकि वो जानता था कि सीनू चेन्नई जाने के बाद प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, और डीलर इन दोनों के बिना
माल किसी और से लेगा नहीं, इसलिए वो सीनू को पहले ही फिक्स करके बाद में रेड्डी के जरिए माल बेचना है। एमएलए को अपनी तरफ करने के लिए पैसों का लालच देना भी पहले से ही प्लान था। उसके यूनिक आइडिया सिंडिकेट का पूरा चेहरा ही बदल देते हैं। उससे पहले ये लोग बस पावर और पैसे के यूज से ही चंदन की स्मगलिंग करते हैं, लेकिन पुष्पा अपने दिमाग से सब कुछ चेंज कर देता है और सबको अपने बुने जाल में फांस कर सिंडिकेट का बॉस बन जाता है। तो हाँ, ये सिर्फ पुष्पा के एटीट्यूड या फिर फिजिकल पावर या फिर उसके लक की वजह से नहीं हुआ है, बल्कि उसने इसके लिए कई सारी प्लानिंग भी की है जो शायद हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगी। पुष्पा का वो जो वीडियो के शुरुआत में मैंने तुम्हें सवाल पूछा था, क्या तुम्हें याद है? इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक है पुष्पा, इसलिए नहीं क्योंकि वो हीरो है, बल्कि इसलिए क्योंकि उसकी दुनिया को जीतने की भूख कभी खत्म नहीं होगी और ना ही वो दुनिया को जीत पाएगा। अगर हम रियल लाइफ की बात करें तो उससे पहले भी कई सारे लोग दुनिया को जीतने की कोशिश कर चुके हैं, और फिक्शन की बात करें तो अपने रॉकी भाई है जिन्होंने पूरी कोशिश तो नहीं की, लेकिन कोशिश बिल्कुल वही थी दुनिया का सबसे रईस आदमी बनने की। इसी भूख ने उसे यहाँ तक लाया है और यही भूख उसे मिटा भी सकती है। सिंडिकेट में पुष्पा से पहले कुछ ज्यादा हलचल नहीं थी, सभी अपनी अपनी लालच के हिसाब से चीजों को संभाल रहे थे, लेकिन पुष्पा को शुरुआत से ही सबसे ऊपर जाना था, जिसके लिए इसने सब कुछ तबाह कर दिया। और देख लेना पार्ट 2 में वो अब ठीक से रूल भी नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके इतने दुश्मन बन गए हैं कि चैन से जीना पॉसिबल ही नहीं है, खास करके शिकावत। पार्ट 2 से रिलीज हुई वीडियो में भी हमने देखा है कि कैसे पुलिस की गोलीबारी में पुष्पा घायल हुआ था, ये शिकावत नहीं किया होगा। क्या है कि भानवर सिंह के आने से पहले ही पुष्पा उस मुकाम पर पहुंच चुका था जहां पर आगे वो रुक जाता तो भी चल जाता। अब वो स्मगलिंग रोक दे, मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ, ऐसा तो वो नहीं करेगा, लेकिन मैं बात कर रहा हूँ उसके एटीट्यूड की। पुष्पा शिकावत को नंगा करने से पहले ही ये जानता था कि शिकावत से दुश्मनी उसे महंगी पड़ेगी, लेकिन जब बात उसके इमोशन पर आई तो वो अपने आप को रोक नहीं पाया और इसका खामियाजा उसे पार्ट 2 में भुगतना ही पड़ेगा, क्योंकि अब शिकावत उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन चुका है। और जैसा कि मैंने कहा कि शिकावत भी पुष्पा जैसा ही है, उसे पैसों से कोई ज्यादा लगाव नहीं है, वो मौत से डरता भी नहीं है और बेहद ब्रूटल भी है। उसकी एंट्री में ही उसने 2 लोगों को ऐसे ही मार दिया था। पुष्पा से मिलकर आने के बाद वो अपने ही कुत्ते को मार देता है, जो कि उसके ब्रूटलनेस को ही दिखाता है। उसे जानवरों से ना इंसानों से किसी से भी कोई लगाव नहीं है, ही इज अ ट्रू मॉन्स्टर। उसके चेहरे के घाव उसके ट्रांसफर की कहानी बताते हैं, और उसका लास्ट में पुष्पा को ना मारना लेकिन पुलिस थाने आकर उस कुत्ते को मारना, साथ ही में पुष्पा के दिए हुए इतने सारे पैसों को जलाना उसके क्रेजी फ्यूचर प्लान्स को दिखाता है कि वो आगे कुछ बहुत बड़ा करने वाला है। इसलिए उसने पुष्पा को जिंदा छोड़ा, क्योंकि इज्जत के बदले जैसे पुष्पा ने उसकी इज्जत ली, वैसे वो वापिस पुष्पा की इज्जत लेने वाला है। ऊपर से तुमको तो पता है कि पुष्पा तो झुकेगा नहीं और ना ही दुनिया जीतने की उसकी भूख खत्म होने वाली है। वो अब उस मुकाम पर है जहाँ पर उसे डेड एंड ही मिलने वाला है, वो पीछे नहीं मुड़ सकता और ना ही वहाँ पर रुक सकता है, क्योंकि उसके बहुत सारे दुश्मन ऑलरेडी उस पर घात लगा कर बैठे हैं। अब ये आर या पार वाली लड़ाई होगी, इसलिए अगर शिकावत ने उसे छोड़ भी दिया, जो कि वो छोड़ेगा ही नहीं, लेकिन मान लो कि उसने छोड़ दिया तो भी पुष्पा नहीं बचने वाला, क्योंकि उसे कोई और मार देगा। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि पार्ट 2 में पुष्पा के मरने के काफी ज्यादा चांसेस है, क्योंकि तब तक वो नहीं रुकेगा। भले उसकी ये लड़ाई सर्वाइवल से शुरू हुई थी, लेकिन अब बात कुछ और है।